मार्शल डीजी एक दिनी दौरे पर इंदौर पहुंचे। इस दौरान वह सबसे पहले इंदौर के किला मैदान स्थित फायर स्टेशन पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई तरह की अनियमितताएं स्पेशल डीजी को, जिस पर जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन स्पेशल डीजी ने दिया। वहीं जिस तरह से फायर स्टेशन पर कंडम वाहनों की भरमार लगी हुई है, उसको देखते हुए उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। बता दें, आज एक दिन दौरे पर दमकल विभाग के स्पेशल डीजी शैलेंद्र जी इंदौर दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान वह सबसे पहले किला मैदान स्थित फायर स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर अधिकारियों से मुलाकात की। अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने फायर स्टेशन का काफी बारीकी से निरीक्षण भी किया। इस दौरान जब वह निरीक्षण कर रहे थे तो स्टेशन पर बड़ी संख्या में कंडम वाहन खड़े हुए थे, जिसको देखकर उन्होंने विभाग के अधिकारियों पर काफी नाराजगी व्यक्त की। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी उन्हें लगी कि सन 2010 से इन्हें दमकल की टीम ने खरीदा था, लेकिन इनका कुछ समय से अभी तक किसी तरह का कोई उपयोग नहीं हुआ, जिसको देखते हुए उन्होंने काफी नाराजगी व्यक्त की। इसी के साथ इस पूरे मामले में जो दोषी अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। इसी के साथ मध्य प्रदेश फायर विभाग में करोड़ों रुपए का पाइप भी खरीदा गया था, उस पाइप में भी कई तरह की गड़बड़ी हुई थी। उस मामले में भी उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच लोकायुक्त में चल रही है और जल्द ही जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई भी होगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के बीच एक आशंका यह बनी रहती है कि वह नगर निगम का हिस्सा है या पुलिस विभाग का हिस्सा है, उस पर उन्होंने कहा कि फायर विभाग हमेशा पुलिस विभाग का ही हिस्सा रहेगा और यह जरूरत की सेवाओं में से एक है तथा इसे नगर निगम को देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः अब इस पूरे मामले में जल्द ही आला अधिकारियों से बात की जाएगी और दुविधा में फंसे कर्मचारियों को बाहर निकाला जाएगा और उन्हें यह आश्वासन दिया जाएगा कि दमकल विभाग पुलिस का ही एक अंग है। वहीं हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने के बाद उसमें आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ती है और उसको लेकर उन्होंने कहा कि दमकल विभाग में एक गाड़ी खरीदी हुई है, उस गाड़ी को दुरुस्त करवा कर एक बार फिर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। ये क्या हुआ? आपने इंदौर के फायर ब्रिगेड कार्यालय का दौरा करा, इस दौरान कई तरह की अनियमितताएं मिली, यहाँ पर कुछ नए वाहन भी खड़े हुए हैं, आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? 10 वाहन मेरे ख्याल गिनती कर लेते हैं, 10-12 वाहन है, कितने वाहन हैं वो 2010 में खरीदे गए, तो आप लोग देख ही रहे हैं कुछ नए वाहन खड़े हुए हैं, अब तक मुझे लगता है टायर तक भी सड़ गए हैं। किसी गलती हुई, किससे कोऑर्डिनेशन में गलती हुई, उस लेवल की अधिकारी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर नगर निगम का काम है ये, अरे जो भी अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट वो करना चाहिए, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया है, उसके बाद भी जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं खुद लिखूंगा। सर, किस तरह की नाराजगी जाहिर की है आपने, मतलब सारे आपने निरीक्षण किया है अभी? ये नाराजगी हमने, ये नाराजगी नहीं है, बहुत दुख है, नाराजगी की बात नहीं है कि नए वाहन देश की संपदा है, 10-10 वाहन इतने महंगे वाहन खरीद के सड़ रहे हैं यहाँ पे, और सीनियर अधिकारी जो भी रहे हों, मेरे पूर्ववर्ती रहे हों, मैं खुद भी हूँ, क्यों नहीं उन्होंने ध्यान देती सिंपल चीज का। अब चूंकि पूरा मामला आपके सामने आया, तो आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई देखी जा सकती है? ये पूरा सामान तो नगर निगम शिफ्ट किया जा चुका है, मैं इसकी तत्काल चिट्ठी लूंगा और नगर निगम कमिश्नर जो है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नगर निगम है मिस्टर निकुंज श्रीवास्तव, उनसे बात करता हूँ कि ऐसे गलती हुई है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीस की जानी चाहिए, वो कार्रवाई करके इस तरह के अधिकारियों को बाध्य सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। सर, पाइप को लेकर भी गड़बड़ी सामने आई? पाइप की कोई गड़बड़ी मुझ नहीं हुई, कुछ पाइप खरीदे गए थे जिनके खिलाफ, जिनके बारे में लगभग 30,000 फीट या 30,000 मीटर पाइप खरीदे गए थे जिनका उपयोग नहीं किया गया है। लोकायुक्त में ये मामला चल रहा है और मेरी डीजी लोकायुक्त से भी मैंने निवेदन किया था कि इसकी जल्दी से जांच कराई जाए और कार्रवाई कराई जाए। सर, ये बात कहीं भोपाल में भी आपकी नाराजगी दुख रखा जाएगा अधिकारियों के सामने? ये बात मैं बता चुका हूँ, सभी अधिकारी ये बात जानते हैं कि पाइप जो है 30,000 मीटर या 30,000 फिट, ये मुझको ध्यान नहीं कितने आंकड़े का, उतने लंबे पाइप खरीदे गए, उनका कोई उपयोग नहीं किया गया, पाइप रखे रखे सड़ गए हैं, उनको निकाला, एक भी क्षण नहीं उपयोग किया गया है। सर, जो 6 करोड़ की एक मशीन जो आ रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? कोई मशीन नहीं आ रही, मुझे पता है एक मशीन अपने आप है, ब्रांटो मशीन है, जो कि 2.65 करोड़ में खरीदी गई थी वर्ष 1993 में, मात्र वो 6,000 किलोमीटर चली हुई है और 2005 से उस गाड़ी को खड़ा कर दिया गया है और उसको कंडम भी किया जा चुका है। मेरे बात में जब ज्वाइन करने पर बात संज्ञान में आई तो मैंने उसको डीजी साहब को निवेदन किया है
कि उस गाड़ी का पुनः उपयोग किया जाए क्योंकि मात्र 6000 किलोमीटर की गाड़ी चली हुई है। सर इसके बाद जो समय में किस तरह से बीच का रास्ता निकाला जाएगा? मैं चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट पुलिस के पास ही रखा जाए, दमकल विभाग के पास ही रखा जाए, क्योंकि ये जो है आग बुझाना बहुत त्वरित कार्रवाई होती है, लगातार स्टैंड टू पे फोर्स को जाना पड़ता है। तो अन्य प्रदेशों में फायर डिपार्टमेंट पुलिस के साथ है क्योंकि पुलिस ही कोऑर्डिनेशन काम करती है। तो मेरा मानना है कि ये जो है पुलिस के पास ही रहना चाहिए और तत्परता से कार्रवाई की जा सकती है। सर इसके मुझे जहाँ तक पता है कि लगभग 400 कर्मचारी फायर, हो सकता है आंकड़े नहीं पता मुझे, लगभग 400 कर्मचारी हैं हमारे भोपाल में हैं, मालनपुर में हैं, पीथमपुर में हैं और अरे इंदौर में हैं, लगभग 400 हैं उनके आंकड़े, तो देख के बताऊँ कितने पर इससे दमकल के लिए बल तो आग लगने पर ही मालूम पड़ेगी, आग तो बुझाई रहने लगातार, परंतु इनकी घंटे जो है प्रत्येक कर्मचारी को रोज़ 12 घंटे लगभग ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन सैलरी सर उनको उन हिसाब काम के हिसाब से नहीं मिल पाती है सर? नहीं, सैलरी उनको मिलती है, सैलरी पूरी जो कॉन्स्टेबल की तनख्वाह होती है उसके बराबर तनख्वाह मिलती है, सैलरी को भी नहीं है, पर काम के घंटे 12 घंटे एवरेज पाते हैं जो कि ज़्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।